फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनमोहन कठैत आज आपको देश की एडवेंचर कैपिटल सबसे खूबसूरत शहर लेह ले चलता हूँ। लेह व्लॉग्स की सीरीज में मैं आपको लेह मेन मार्केट, लेह पैलेस, हॉल ऑफ फेम, जंस्कार रिवर में रिवर राफ्टिंग, नूबरा वैली में कैंपिंग, शांति स्तूप, पैक्योंग लेक, थिक्से मोनेस्ट्री, खारदुंग लापास, दिस्तित मोनेस्ट्री, मैग्नेटिक हिल और भी अनेक स्थानों की सैर कराऊंगा। मैं आपको यहाँ यह भी बताऊंगा कि लेह कैसे आना है, कब आना है, क्या क्या तैयारियाँ करनी है लेह आने के लिए और लेह आने के लिए आपका पूरा बजट क्या होगा। व्लॉग्स की इस सीरीज में हम इन बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेह लद्दाख की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए चलिए मेरे साथ लेह की यात्रा पर। 7 o'clock IGI एयरपोर्ट पर हम लोग और ये हिमालयाज के ऊपर से निकलते हुए और 10 मिनट में हम लेह एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट पे और अब ये हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिकली मैंने 2 होटल बुक कराए थे, उनमें से जो मेन मार्केट में होटल है तो हमने डिसाइड किया कि हम उस होटल में रुकेंगे। तो चलिए अब होटल की तरफ चलते हैं और ये हम मार्केट पहुँच चुके हैं। होटल बहुत अच्छी जगह पर लोकेटेड है, ये बेसिकली यहाँ पर HDFC का ATM है, उसके ऊपर ही होटल लोकेटेड है, तो बहुत प्राइम लोकेशन पे है। तो अब हम यहाँ से मार्केट घूम रहे हैं थोड़ा सा और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हॉल ऑफ फेम जाएंगे। मार्केट में ICICI बैंक, ये मस्जिद और काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है यहाँ पर लोकल टूरिस्ट के लिए भी और लोकल शॉप्स काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर और हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिकनेस नहीं हो रही। हम लोगों ने वैसे एक्लेमेटाइजेशन मेडिसिन ले ली थी एक दिन के लिए और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमने मॉर्निंग में 7:15 की फ़्लाइट पकड़ी थी एयर इंडिया की और यहाँ 8:45 पे हम पहुँच गए थे। हम 10 बजे तक अपने होटल में पहुँच गए हैं। हमारे होटल का नाम है स्काई आबू और ये मेन मार्केट में ही बैंक के ऊपर है और काफ़ी रीज़नेबल है। ये 2,500 रुपये पर रूम पर नाइट का है, तो इट्स वेरी रीज़नेबल। अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो फरवरी और जून के बीच में ही आइए, उसके बाद यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है, ठंड बहुत बढ़ जाती है, हाई अल्टीट्यूड है। फर्स्ट डे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना बनाएं, खुद को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं, रेस्ट कीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लेह गेट है, बेसिकली लेह यहीं से शुरू होता है और इस टाइम पे हम लोग हॉल ऑफ फेम जा रहे हैं। हल्की हल्की धूप है, ठंडक काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब भी आप लेह आएँ तो वुलंस हमेशा अपने साथ होना चाहिए और अगर मैं एडवाइस करूं तो एक छाता भी हमेशा रखिए अपने साथ ट्रैवलिंग पे, कि यहाँ अचानक बारिश आ जाती है। वैसे मौसम इस टाइम पे एकदम साफ़ है, अच्छा काफ़ी लग रहा है। लेह बहुत छोटा शहर है, बेसिकली देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एरिया में और पॉपुलेशन में सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो 8 दिनों का है और ये हम हॉल ऑफ फेम पहुँच चुके हैं। बेसिकली ये वॉर मेमोरियल है जो कि शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया है और बहुत सुंदर, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, चारों तरफ पहाड़ हैं और ये लेह कारगिल नेशनल हाईवे पे पड़ता है। ठीक, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, भीड़ काफ़ी कम है अभी, लोग काफ़ी कम है यहाँ पर, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बेसिकली पाकिस्तान के साथ जो लद्दाख और कारगिल वॉर हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे हमारे सेनानी, उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है और उनको बहुत बहुत नमन है। रियली आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं यहाँ पर हूँ और आना चाहिए लोगों को यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हमें थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं अपनी जान को गंवा कर, तो इट्स ए बिग डील, बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए और रियली बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ इन लोगों को। और चारों तरफ पहाड़, खूबसूरत नज़ारा। और ये मलिक अर्जुन, गोविंद रावटी, गुलाम मोहम्मद, जगजीत, ये सब
वो सिपाही हैं जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है इस देश की रक्षा के लिए, शहीद हुए हैं हमारे लिए ये, तो हमें रियली बार बार नमन करना चाहिए इनको। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इनको, इनके परिवार को। और यहाँ से अब हम निकल चुके हैं जोरावट फोर्ट के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ये इंडियन फ्लैग। ये जो बाइकर जा रहे हैं कहाँ तक जाएंगे आगे? पूरा ये टूर करके श्रीनगर मनाली से भी श्रीनगर कारगिल होते भी करके आता है। कारगिल लद्दाख ऊपर तक जाते हैं यार, इनका तो लंबा होता है चक्कर। नेक्स्ट टाइम आप आएगा तो श्रीनगर होते हुए आएगा तो अच्छा रहेगा। और ये हम पहुँच गए हैं जोरावर फोर्ट। छोटा फोर्ट है बट अच्छा है, नाइस क्यूट। बेसिकली ये फोर्ट जो है वो लेह की बाउंड्री में है और पहले लेह की रक्षा के लिए इसको बनाया गया था। और अब तो इतने काफ़ी बड़े ये स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, बट इससे पहले ये मिट्टी का बना हुआ था काफ़ी। यहाँ इस टाइम पे हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, तो केवल हम ही यहाँ पर टूरिस्ट हैं जो घूम रहे हैं। और स्टिल अच्छा लग रहा है, पीसफुल है, सेफ है। इस फोर्ट का एक पोर्शन अब आर्मी के पास है और वहाँ उनका घुड़साल है। ये सामने देखिए, ये आर्मी के घोड़े हैं और इनको यहाँ पर रखा जाता है, मेंटेनेंस होती है इनकी। और अच्छा है, ये सामने तोप, अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से बर्फ़ के पहाड़, काफ़ी ठंडा है, टेम्परेचर काफ़ी कम है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बट फिर भी फील होता है, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर थोड़ी फील हो रही है। अगर आप लद्दाख आएँ तो आप कम से कम 8 से 15 दिन का प्रोग्राम ज़रूर बनाएँ, क्योंकि इससे कम में आप नहीं घूम पाएंगे लद्दाख। और एक एडवाइस मैं और करना चाहता हूँ कि जब भी आप लद्दाख आएँ तो एयरपोर्ट से जो आप टैक्सी बुक करते हैं उसी से टाई अप कीजिए और पूरा ट्रिप आप उससे लीजिए, तो आपको रीज़नेबल भी पड़ता है और अच्छा भी पड़ता है। और अभी हम पहुँच गए हैं लेह मार्केट। जोरावर फोर्ट के बाद सीधा हम अपने होटल वापस आए हैं जो लेह मार्केट में ही है। स्कूली बच्चे घूमते हुए, दिन का टाइम इस टाइम पर हम लोग 4-4:30 बजे हैं अभी, और ठंडक काफ़ी बढ़ गई है। इस मार्केट में काफ़ी वैरायटी की शॉप्स हैं। मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड मेरे को यहाँ नज़र नहीं आया, बट लोकल काफ़ी अच्छे ब्रांड्स और चीज़ें मैंने देखी हैं यहाँ पर। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे फास्ट फूड स्टॉल्स भी हैं। तो हम काफ़ी दुकानें घूम चुके हैं। और ये अब नेहा स्ट्रीट एक रेस्टोरेंट है, वहाँ गए हम लोग। और ये तिब्बतियन रिफ्यूज़ मार्केट, यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट्स और स्टोन से बनी चीज़ें और ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ। वुलन क्लोथ्स भी आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर अगर आप आएँ शॉपिंग करने की तो बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग बहुत अच्छी होती है और आपको 50% तक डिस्काउंट यहाँ मिल सकता है अगर आप अच्छे बार्गेन कर सकते हैं तो। बाकी क्वालिटी हमने देखी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, अच्छा सामान आपको मिल जाएगा, यहाँ सभी सामान बहुत अच्छा है। बट ये है कि प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, बार्गेन करेंगे तो कम हो जाता है ये। और ये मार्केट में हम लोग अभी घूम रहे हैं, आसमान में हल्के हल्के बादल और हवा तेज चल रही है इस टाइम पे, और ये हवा भी बहुत तीखी हवा है। और इस मार्केट में ठीक बीच में हमारा होटल है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि एक बैंक के एटीएम के ऊपर है। मैं आपको बताऊं तो फ्लाइट को 1.5 घंटा लगा यहाँ आने में, और आधा घंटा हमें एयरपोर्ट से होटल पहुँचने में। उसने 500 रुपीज़ लिए और हमने अपने टैक्सी ड्राइवर से ही टाई अप किया और 18,000 रुपीज़ में उन्होंने पूरा ट्रिप ले लिया। ये ऊपर मेरा होटल है स्काई आबू। और अब जब तक हम लेह में हैं तो वही ड्राइवर हमको पूरा घुमाएगा, केवल यहीं लोकल ही नहीं बल्कि ये नूबरा वैली और पेंगयोंग लेक और भी बहुत सारी जगहें हमें घुमाएगा। तो अच्छा लगा हमें वो, बहुत अच्छा। यहाँ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे लोग, ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। सामने जो नीचे बैठे हुए हैं, ये देखिए वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, याक का मिल्क भी होता है इनके पास। ये मॉर्निंग में आते हैं अपनी वेजिटेबल्स लोकल लेके और यहाँ बेचते हैं, कई बार बड़ा फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं। ईद का टाइम है, नीचे ये इफ्तार पार्टी चल रही है और लोगों को फ्री यहाँ स्नैक्स दिए जा रहे हैं खाने के लिए। शाम का टाइम है, ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये होटल इतनी प्राइम लोकेशन पे है कि मैं अभी होटल की बालकनी में बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। छोटा होटल है, फैसिलिटीज थोड़ी कम है, बट उसके बावजूद काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर।
और ये रात के 9:30 बजे हैं। सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। बेसिकली पहाड़ी इलाकों में यही होता है कि ठंड बहुत होती है, तो शाम आते आते बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो दुकानें 8:30-9 बजे तक बंद हो जाती हैं। हम लोगों ने अभी खाना खाया है और हम लोग थोड़ा सा टहल रहे हैं। टहल क्या रहे हैं, बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें लेह को, क्योंकि एक बार चले जाएंगे तो याद आएंगी ये जगहें हमें। तो इस टाइम पे बिल्कुल सुनसान हो गया है, बट देखा है मैंने जो फील किया है एक दिन में कि काफ़ी पीसफुल है यहाँ पर। और इस टाइम पे रेस्टोरेंट भी सारे बंद हो चुके हैं। देखिए क्योंकि हमारा होटल यहीं ऊपर ही है इसलिए हम घूम पा रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज़ टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है इस टाइम पर कोई भी। मेरे होटल का नाम है अबू स्काई और इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप आएँ, अगर आपको लगता है कि आप ये गहमा गहमी देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस होटल में रुकिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़ंस्कार रिवर में रिवर राफ्टिंग और एक कल्चरल प्रोग्राम की सैर कराऊंगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।